हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल के बारे में। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिन यूज करते हैं, यूज करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन डाल के और किस पर काम करता है, उसका डोज सोल्यूशन कितना होना चाहिए। तो इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी ये वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो भी पहली बार विजिट की, यहाँ पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 कैप्सूल का स्ट्रिप से, जिसकी एमआरपी की बात को इसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो स्ट्रिप से उसकी एमआरपी 73। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल को एविग्ना मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल के अंदर कंपोजिशन की बात करें, इसके कंपोजिशन से एमोक्सिसिलिन 500 एमजी कैप्सूल इसके अंदर डाले गए हैं। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल ये कैप्सूल ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन में। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से जो कि ट्रीट करती है डिफरेंट इन्फेक्शंस बैक्टीरिया में, जैसे कि इसमें रक्त, ब्रेन, फेफड़े, हड्डियों, जोड़े, मूत्रमार्ग, पेट और आंतों के इन्फेक्शन शामिल है। इसका इस्तेमाल मसूड़ों के अल्सर और दांतों के अन्य इन्फेक्शंस, एब्सेस, पैरों के अल्सर और प्रेशर स्ट्रोक के इलाज में किया जा सकता है। ये इन्फेक्शंस फैलाने वाले बैक्टीरिया के विकास को अवरुद्ध करके काम करता है। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल ये ट्रीट करता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन में। इसका इस्तेमाल गले, कान, नेजल साइनस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स जैसे निमोनिया, मूत्रमार्ग, तवसा और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन और टाइफाइड बुखार में असरदार है। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन में। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल का डोज और डोसेज की बात करें, इसका डोज और डोसेज पेशेंट्स की एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की एज कितनी है, वेट कितना है, मेडिकल कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेज कितना होना चाहिए और इसका डोज और डोसेज अपने डॉक्टर की देर में इस्तेमाल करें। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में हो सकता है मिचली आना, डायरिया, दस्त होना, दस्तों पर रैशेस होना, वोमिटिंग होना, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की दीर्घ में इस्तेमाल करें। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल किस प्रकार काम करता है। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन रहती है, यानी कि एमोक्सिसिलिन 500 एमजी कैप्सूल, वो एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से है। यह बैक्टीरियल प्रोटीन कवरिंग कोशिका जली बनाने से बचाकर बैक्टीरिया को मारता है, जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए नेसेसरी है। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हमें कमेंट सेक्शन बताएं। इसोक्सिसिन 500 एमजी कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल्स या एंटीबायोटिक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।